नरेंद्र मोदी जी प्लीज एक्शन लीजिए और देश को देखने दीजिए इस क्रिएटिव इंसान के पीछे के राक्षस को। मुझे पता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मेरी सुरक्षा खतरे में है, प्लीज मदद कीजिए। ये वो ट्वीट है, ये वो आवाज है जो पायल घोष की ओर से एकाएक सामने आकर सभी को चौंका जाती है। मामला है मीटू का, जो फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर लगाया गया है पायल घोष की तरफ से। उस वक्त से अचानक ट्विटर पर यह नाम ट्रेंड करने लगता है, हर किसी के जुबान पर यह नाम चढ़ा हुआ है, हर कोई पायल घोष के बारे में इंटरनेट पर सर्च करके जानना चाह रहा है। सुशांत सिंह का मामला, ड्रग्स का मामला, वंशवाद का मामला, इन सभी मसलों को किनारे कर मीटू का मुद्दा उठाकर सुर्खियों में आई पायल घोष आखिर कौन है, जानते हैं इस रिपोर्ट। पायल घोष एक एक्ट्रेस है जिन्होंने साउथ और हिंदी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 2017 में ऋषि कपूर की फिल्म पटेल की पंजाबी शादी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। कोलकाता की रहने वाली पायल ने वहीं के सेंट पॉल्स मिशन स्कूल से पढ़ाई की। महज 17 साल की उम्र में बीबीसी की टेलीफिल्म शार्पेस पेरिल से अपने करियर की शुरुआत करने वाली पायल के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग करे, लेकिन पायल अभिनय की दुनिया में कदम रखना चाहती थी। इसलिए कॉलेज की छुट्टियों के दौरान वो कोलकाता से मुंबई चली गई, जहां उनकी मुलाकात चंद्रशेखर येलती से हुई, जिन्होंने पायल को तेलुगु फिल्म प्रयाणम में काम दिया था। इसके बाद उन्होंने उसारवेली, वर्षधारे और मिस्टर रास्केल जैसी कई तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया, लेकिन असल पहचान उन्हें फिल्म प्रयाणम से मिली। फिलहाल पायल मुंबई में रह रही हैं, जिन्होंने बीते दिन अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए चौतरफा सुर्खियां बटोर ली है। उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अनुराग कश्यप ने खुद पर लगे मीटू के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया है, जिसके बाद पायल खुद सामने आकर मीडिया चैनल से बातचीत में इस मुद्दे पर बात करती है। सुनिए उनका ये पूरा बयान। उनके ऑफिस में जाके मिली मेरे मैनेजर के साथ, फिर उसके बाद मैं उनके घर पे जाके मिली, और सेकेंड टाइम फर्स्ट डे जब मैं उनके घर पे जाके मिली, ही वॉज वेरी नाइस टू मी, मतलब वेरी नाइस बोले तो वेरी नाइस, वेरी स्वीट, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस। लेकिन बस सेकेंड डे वापस उन्होंने जब बुलाया तब उनके घर में गई तो चीज़ें कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, तो जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। क्या घटना घटी थी जिसके बारे में? उन्होंने मुझे अनकम्फर्टेबल फील करवाया और थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, जो भी हुआ वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो मैं उनके साथ काम कर रही थी, ना तो मेरा उनके साथ कोई जान पहचान था, ना तो हम दोस्त थे, हम जस्ट मिले थे। तो कोई तुम्हारे पास काम मांगने आए हैं या काम के लिए मिलने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कुछ भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। तो वो उन्होंने ये नहीं सोचा और उन्होंने मुझे अनकम्फर्टेबल फील करवाया, जो चीज़ मुझे बहुत अभी तक हॉन्ट करता है। तो मैंने आज मैं जब कल इंटरव्यू दिया ना, तो उसके बाद ही वो बिलीव मैं इतना अच्छा महसूस किया कि मुझे लगा कि मैं अंदर कुछ छुपा के रखी थी, वो मैंने निकाल दिया, आगे जो होगा देख लेंगे।